इस क्वेश्चन में हमारे पास ये कहा जा रहा है कि एक पैरालेलोग्राम आपके पास दिया हुआ है। तो हमने एक पैरालेलोग्राम इस तरह से ले लिया, एक पैरालेलोग्राम ले लिया इस तरह से, और ये जो पैरालेलोग्राम है इसका हमने नाम रख लिया ए बी सी एंड डी। अब इस पैरालेलोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, तो हम लोग पहले यहां पे क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से हमारे डायगोनल्स बन गए, ठीक है। अब ये जो डायगोनल्स हैं, देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है आपके पास कि ये जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास गिवन में दिया हुआ है पहला चीज कि जो डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल आपका AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ है, क्योंकि डायगोनल्स आपसे क्या कहा गया है कि ये इक्वल है, ऐसा गिवन है आपके पास। दूसरी चीज आपको ये साबित करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो देखिए रेक्टेंगल होगा उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, उसका कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप रेक्टेंगल अगर कहना चाहते हैं, तो देखिए इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। और इसके जो अगर हम लोग बात करें जो डिफरेंट थोड़ा सा होता है वो होता है इसका एंगल। तो इसका अगर एंगल हम लोग 90 प्रूफ कर दें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या करना है, 90 प्रूफ करना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोगों को ये साबित करना है कि ABCD जो है ये एक रेक्टेंगल है। अब हम लोग दो ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC के अंदर जाते हैं। तो मैं यहां पर एक ट्रायंगल के अंदर जा रहा हूं ABC के अंदर। तो हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर ABC के अंदर आ चुके हैं। अब दूसरा एक ट्रायंगल हमें पकड़ना पड़ेगा, तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ABD को। तो हम लोग एक और ट्रायंगल यहां पर लेंगे जो है ABD। तो ये हमने ट्रायंगल ले लिया ABD। अब देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कुछ पैरेललोग्राम के कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज भी नहीं कर सकते अभी फिलहाल, और मुझे 90 तक पहुंचना है। तो इसके लिए बेटर होगा कि हम फिगर को क्या करें, बार बार ट्रायंगल में देखकर इसको जितना ज्यादा है आप इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद देखिए कि जब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है तो कॉन्ग्रेंट मुझे करना पड़ेगा, क्या कॉन्ग्रेंट जैसा कुछ कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो इनमें से हम लोग ये देख पाएंगे कि ये वाला AB और देखिए ये AB दोनों क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके कॉमन है। इस ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन कंडीशन की जरूरत होती है, तो एक कंडीशन हमने पूरा कर लिया है। दूसरा अब मुझे देखना है कि ये जो आपका BD है, यहाँ पे देखिए ये जो BD है और ये AC है, एक्चुअली ये डायगोनल है, किसका डायगोनल है, पैरेललोग्राम का। और यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ये आपस में इक्वल है, तो हम क्या ले सकते हैं, BD इज इक्वल टू AC, तो BD इज इक्वल टू CA हमारा यहां पर ये वाला इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गए, अब मुझे कोई एक कंडीशन निकालना है। तो देखिए ये ऑलरेडी बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABC है एक ये पैरालेलोग्राम है, तो पैरालेलोग्राम का क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये AD किसके इक्वल है,
बीसी के, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे थर्ड केस पे कि जो डी ए है ये इक्वल है सी बी के। तो ये क्यों हुआ, ये तो गिवन था, आप यहां पे गिवन दे दें। और ये सिंस जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दरअसल इस कारण से। देयरफॉर जो ट्रायंगल हमारे पास है डी ए बी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सी बी ए के। कैसे हुआ, तो हम इसमें अप्लाई क्या करते हैं, बाय साइड साइड क्राइटेरिया के जरिए, बाय साइड साइड क्राइटेरिया के जरिए ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाया करेगा। जब ये कॉन्ग्रेंट होगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल पे आके गिरेगा, यानी कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल होगा, क्यों, बाय सीपीसीटी। और जब ये इसके बराबर आ गया तो ये कॉन्ग्रेंट से रिलेटेड वर्क था जो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा, जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है। अब देखिए यहां पर, अब जब इस प्रकार से हो जाता है तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करना है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और यहां पर मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर यहां पर एंगल्स हैं यहां पर, तो ये एक्चुअली क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स बना रहे हैं, जिसके कारण से इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो आपको यहां पर लिखना होगा कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स के कारण, तो ये आपका कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स बनाने के कारण यहां पर ये हुआ। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी तो एग्जैक्टली यहां पर इक्वल हमने कर दिया है, तो एंगल ए इज इक्वल टू जो भी होगा प्लस एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के, तो हम बी के जगह पे वापस ए तो रख ही सकते हैं, तो हो जाएगा 180। देन एंगल ए कितने हो जाएंगे, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 हो जाया करेगा। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो मुझे कितना मिल गया, 90 मिल गया। अब देखिए एंगल ए अगर मुझे 90 मिलता है तो ये एंगल इसके बराबर भी है बी के, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर प्रूफ ऑलरेडी किया है, तो ये भी 90 हो गया। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट्स एंगल क्या होते, इक्वल होते हैं, तो अगर ये 90 तो ये भी डेफिनेटली 90 हो गया, ये वाला 90 है तो डेफिनेटली ये वाला भी एंगल आपका क्या हो गया, 90 हो गया है। सो हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो रिक्टेंगल है।